रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था, जो कि राजनीति और शासन काल में माहिर था। रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम के वार के बाद रावण अपनी मौत के करीब था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास बैठने को कहा, ताकि वो रावण से राजपाट चलाने के लिए शासन ज्ञान और कूटनीतियों का वो ज्ञान ले सके जो उन्हें रावण जैसा सर्वज्ञानी ही दे सकता था। लक्ष्मण अपने बड़े भाई की बात मानते हुए रावण के पास गए और उनके सर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण कुछ नहीं बोले। तब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पैरों की ओर खड़े रहने को कहा, क्योंकि जब भी हमें किसी से ज्ञान लेना हो तो हमारा स्थान उनके पैरों में होना चाहिए। ये सुनने के बाद लक्ष्मण रावण के पास गए और इस बार उनके पैरों के पास खड़े हो गए। फिर आखिरकार रावण ने लक्ष्मण को जिंदगी में सफलता के 3 रहस्य बताए। सबसे पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए। इससे ना ही हम खुद को बल्कि अपनों को भी नुकसान होने से बचा सकते हैं। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने के शुभ काम में देरी करता रहा और उनसे लड़ने जैसा अशुभ काम करता रहा, जिससे मेरा ये हाल हुआ। अपने इस पाठ को रावण ने शुभस्य श्रीघम कहकर पूरा किया। दूसरा पाठ जो रावण ने लक्ष्मण को दिया वो था कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर मत समझना, कभी भी नहीं। रावण ने कहा कि मैंने श्री राम और उनकी वानर सेना को कमजोर समझने की भूल की, यहाँ तक कि ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगते वक्त मैंने ही उनसे कहा कि मानव और वानरों के अलावा कोई मेरा वध ना कर सके, क्योंकि इन दोनों को ही मैं मामूली और कमजोर समझता था, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तीसरा और रावण का आखिरी पाठ ये था कि कभी भी अपनी लाइफ के सीक्रेट यानी कि अपनी जिंदगी के राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, किसी को भी नहीं। रावण ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मेरी नाभि में अमृत होने का राज मैंने मेरे भाई विभीषण को बताया, जो कि मेरे अंत का कारण बना। इसीलिए चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, अपने जिंदगी के राज किसी को भी मत बताना। रावण ने कहा कि उसको ये जिंदगी के सीख, ये ज्ञान अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से मिला है, जो कि वो लक्ष्मण को दे रहा है। और इसी के साथ रावण ने अपनी आखिरी सांस ली और राम नाम लेके प्राण त्याग दिए। रामायण भले ही सत्य की असत्य पर विजय की एक गाथा हो, लेकिन आज भी उनका हर एक पात्र हमें जिंदगी की कोई ना कोई सीख देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।